такая вот у меня. Если вы не безопасно, через течение всего полета. Hello everyone, मुझे पता है मैं इस ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ. 16 तक मेरी एग्ज़ाम्स थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग करने का. तो आज 18 है और 19 को सुबह 5 बजे मैं निकल जाऊँगी इंडिया के लिए. तो मेरी टिकट्स कब की बुक हो चुकी है, लेकिन यही था कि टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो आज हमें इमिग्रेशन लेना है हमारा, और वो मैम तभी देंगे, मतलब हमारे हॉस्टल से हमें तभी मिलेगा जब हम हॉस्टल का जो रूम है वो एकदम परफेक्टली क्लीन करके उनको वापस देंगे. तो वही सब चल रहा है अभी, लास्ट मिनट पैकिंग चल रही है. जो सामान है हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना है, जो फ्रेंड्स हैं हमारे अपार्टमेंट में उनके पास, और हाँ बस यही सब करना है, सामान शिफ्ट करना है. अभी तो सामान पैक करना है, रूम बहुत गंदा पड़ा है तो रूम साफ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से वो भी टाइम नहीं मिला. एग्ज़ाम सारी क्लियर हो चुकी है और बस बहुत रश चल रहा है अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है. तो बस चलो चलो छुट्टी पैकिंग करते हैं, टाइम नहीं हमारे पास. रजिस्ट्रेशन हमें हमारा मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन का बोले इमिग्रेशन हमें हमारा मिल गया है और रजिस्ट्रेशन भी. तो बस ये सब जो चीज़ें पड़ी हैं ये सब हमें थोड़ी सी पैक करनी है, जो हमें हमारे लिए रखनी है. बाकी यहाँ के जो बेडशीट कवर, पिलो कवर, ये जो भी बेडशीट कवर, ब्लैंकेट का कवर, बेडशीट, पिलो कवर, सब कुछ दे दिया है बस. तो यही सब था, तो बहुत थक गए हैं अभी. हमें जो सामान है वो किसी के अपार्टमेंट रखने जाना है, तो वहाँ जाएंगे. बस थोड़ी चॉकलेट्स लानी बाकी है किया को, तो वो करना है, बस ये सब करना है. तो गुड मॉर्निंग, वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं हुई है, 2 बजे रात के, लेकिन मुझे शावर लेना है, हेयर वॉश करना है, तो टाइम लगेगा उसमें भी. और वैसे भी हमें 5 बजे निकल जाना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग, थोड़ी बहुत पैकिंग भी बाकी है. घर जाने के एक्साइटमेंट में मैं इस ब्लॉग में इतना फंबल कर रही हूँ. एनीवेज तो बस अभी चलो फटाफट से शार लेके आते हैं, फुल हीरोइन बन जाते हैं. गाइस आई जस्ट टुक शार, मस्त एकदम नागर गुड गर्ल बन चुकी हूँ. लेकिन अब वही सोच रही हूँ कि बस अब तो सीधा नहाऊंगी अपने बाथरूम में, मस्त. एनीवेज तो अभी मैंने वही कपड़े पहने हैं, क्योंकि जब तक मेरे बाल गीले हैं तब तक यही रहने देती हूँ और फिर चेंज कर लूँगी. वैसे टाइम हो रहा है, 3 बज गए हैं. चलो तैयार हो जाते हैं और थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी तो वो कर लेते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, दिस इज़ फ्लेयर जीन्स एंड दिस बेसिक ब्लैक टॉप. तो बस यही आउटफिट के साथ घर जाएंगे. अभी निकलने का टाइम आ गया है हमारा, तो बैग्स वैग्स सब बाहर ले जा रहे हैं. अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए. बिल्कुल भी तैयार होने का टाइम वाइम नहीं है, मॉस्को जाके हो जाएंगे तैयार. सो बाय बाय बाय, मिस यू, बाय बाय. रूम को भी बाय बोलते हैं, बाय. लाइट्स कर देते हैं ऑफ और चलो सुबह 4:30 आवाज़ नहीं करेंगे. एयरपोर्ट, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उलानबस का. तो बस अभी तो हम दोनों क्या करते हैं, नंबर अभी तो जस्ट टाइम, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम करेंगे बोर्डिंग. बैग चेकिंग करा लिया हमने. तो बैग हमारी चली गई है यहाँ पर. अभी बैग जो है हमें डायरेक्ट मिलेगी दिल्ली, तो बस उसका टेंशन चला गया. कैबिन भी अप्रूव हो गए हमारे दोनों के दोनों. अब हमारे पास कैबिन रहेगा, मेरा स्कूल बैग रहेगा और मेरा पर्स रहेगा, बस दैट्स इट, खत्म. बैग 20 मेरा 21 समथिंग हुआ था और क्या का 19 यहाँ उतना ही कुछ. तो बस चलो बैग्स की टेंशन ख़त्म. अभी बस हाफ एन आवर में वेट करना है, फिर फ्लाइट है हमारी और वो हमें पहुँचा देगी. 7:10 की फ़्लाइट है और वो हमें पहुँचा देगी अराउंड कितने, 7:50 को पहुँचा रही है. लेकिन
मतलब 7:50 मॉस्को का टाइम है, तो यहाँ से मॉस्को का टाइम में डिफरेंस है, तो मतलब वही 1 घंटा और 45 मिनट्स तो होंगे मिनिमम, तो बस वही, तो हमें वही सब करना है। फिर वहाँ से हमारा 10 घंटे का लेओवर है मॉस्को में। तो हमें पूरे दिन ऐसे ही बोर करना है एक दूसरे को। और अभी टर्मिनल चेंज करना है, डी टर्मिनल से सी टर्मिनल में जाना है, और ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, तो बस इधर तो चलना ही है हमें। बैग देखिए, चलो चलो दिखाती हूँ आपको SPO एयरपोर्ट। मेरा सी टर्मिनल ये है पूरा एयरपोर्ट। हेलो, कैसे हैं आप सब? अगेन कुछ नहीं, बस अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि किसे अपना टाइम निकाले, तो बस रील्स देखी, थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स देखे। किया फ़ोन अपना चार्ज करने गई है, वहाँ पे है, तो बस आए तब से बैठे ही हैं। और फिर सोचा है कि तैयार होके थोड़ा करेंगे शूट वूट कुछ अच्छा सा, पर अभी मन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो बाद में करेंगे वो सब। अभी बज रहे हैं, लेट मी चेक, हाँ 9:46, और हमारी जो फ्लाइट है वो है शाम को 6 बजे, तो अभी तो बहुत सारा टाइम है हमारे साथ, तो बस बोर होना है, बार बार यही सब करना है। दिस इज़ द व्लॉग। सब बोलते हैं ना वाह एयरपोर्ट या फलाना, बहुत बहुत बोर होता है। अरे ट्रेन में चले जाओ, उससे अच्छा मस्त तो खिड़की से देखने मिलता है, स्टॉप मिलेगा, छोले भटूरे खाने मिलेंगे, पर क्या है एयर देखें, एयरपोर्ट का प्राइस देखें, पानी भी साथ में लेके आएंगे। मतलब इतना घटिया लगता है ना कभी कभी ट्रैवल करना फ्लाइट से, क्योंकि हर एक चीज़ मतलब कितना सिक्योरिटी चेकिंग करोगे भाई, बम थोड़ी ना लेके आए, शूज निकलवाएंगे, टैब ये वो, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, कितनी बार इंसान थक जाए इतने में तो, और शूज में क्या डाल के ले जाएंगे भाई, ड्रग्स और क्या, ये बाकी रह गया था हमारे, वॉच में भी तो ले जाएंगे सब, एक हमारी शॉल में भी ले जाएंगे, पानी तक फिकवा दिया, चलो पानी तो मुझे पता है कि वो होता है कभी कभी, बाकी सब एक एक चार्जर निकालो, एक एक ईयरफोन निकालो, एक बार दो बार तीन बार, आज सवाल में कल चेकिंग ऐसे आप लोगों पर छठू के साथ में 7th टाइम चेक करा रही है, वापस से सब कुछ रखो, टैब मुके ना अंदर वाला, सिक्योरिटी चेकिंग भी ख़त्म हो गया, अब हम करवाएंगे इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हैं एज यूजुअल, ये वाली ये रही, तो ये भी कर लेते हैं, इसमें भी 10 चीज़ से करवाएंगे। चलो ठीक है, बोर हो रहा है बहुत हो रहा है।
चार बज गए हैं अभी तो, और बाकी है कितने बजे तक, 6:30 बजे तक वेट करना है, और फिर वहाँ से फ्लाइट इतने सारे घंटों की। ठंडी भी लग रही है, बोर हो रहा है। गर्मी बहुत है इंडिया में, यही है। अब इंडिया आ गए हैं, जल्दी से घर जाते हैं। अब यहाँ मतलब एक टाइम था कि मॉस्को से दिल्ली के लिए वेट हो जा रहा था, पर दिल्ली से अहमदाबाद तो पता नहीं वेट ही नहीं हो रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है। बच्चों के ये टाइम पे निकल जाएगा जब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे निकाल दिए हैं हमने, 10 घंटे या 24 घंटे निकाल दिए हैं जस्ट वेट करते करते, तो ये भी निकल जाएगा। चलो स्टे ट्यून। Thank you.